भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। घनश्याम तिवारी, आपको याद होगा कि एक बड़ी रैली चुनावों के दरमियान करके अपनी मौजूदगी विपक्ष के तौर पर और बीजेपी से बगावत करते हुए खुद की ताकत के तौर पर दिखाते नजर आए थे। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। शशि, क्या घर वापसी की शुरुआत घनश्याम तिवारी से मानी जाए, क्योंकि सुगबुगाहट जसोल परिवार में भी चल रही थी? देखिए, बिल्कुल घनश्याम तिवारी की घर वापसी हो रही है और इस पार्टी में और जो दूसरे नेता हैं जिनकी जरूरत बीजेपी को लगती है, उनकी घर वापसी आज घनश्याम तिवारी के जरिए और बाहर रास्ते खोले हैं, इससे माना जाना चाहिए। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 का, उससे ठीक पहले घनश्याम तिवारी ने जो लगातार पार्टी विरोधी तेवर दिखा रहे थे, खासतौर से वो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाते थे, बीजेपी के विरोधी नहीं माने जाते थे, और उनका कहना था कि बीजेपी में वसुंधरा राजे का एक छत्र राज हो गया है। वसुंधरा राजे का जो सरकारी आवास था उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। अब जब सरकार बदल गई तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाए रखा, लेकिन कई कारणों से उनका मन कांग्रेस से बिल्कुल नहीं गया। आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा चुनाव थे उससे पहले मार्च में 7 मार्च को रामलीला मैदान पर बड़ी रैली थी, राहुल गांधी आए थे, उनकी मौजूदगी में घनश्याम तिवारी थे, बीजेपी के पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे जयराम के सुरेंद्र गोयल थे, डूंगर राम जगर थे बसपा के, उनके समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि वो कांग्रेस के मंच पर नहीं खड़े हुए थे, लेकिन इसके पास में जो छोटा मंच बनाया गया उस पर घनश्याम तिवारी मौजूद रहे, राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन कांग्रेस में भी उनका मन नहीं लगा, अपने घर की याद उनको लगातार सताती रही। और भले ही पिछला चुनाव सहारने से अपनी दीनदयाल वाहिनी से चुनाव लड़ने के बाद घनश्याम तिवारी हार गए, इसके बाद से लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी। जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बने, इससे पहले मदन लाल सैनी प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो लगातार इस बात की कोशिश होती थी कि किसी तरह घनश्याम तिवारी से बातचीत की जाए, संघ के जरिए हो, अलग अलग माध्यमों के जरिए लगातार घनश्याम तिवारी का संवाद हो रहा था। पिछले दिनों पार्टी के नेताओं ने इस बात के संकेत भी दिए। तकरीबन 45 साल से ज्यादा की जो राजनीतिक सफर उनका रहा वो बीजेपी में रहा। आप देखिए, जनसंकेत कैसे घनश्याम तिवारी थे, और सीकर का जो बीजेपी का दफ्तर है वो तो छुट्टी उन्होंने करवाया, सीकर से चुनाव लड़े, चौथी से चुनाव लड़े, सांगानेर से चुनाव लड़े, अलग अलग जगह चुनाव लड़ते हैं। हालांकि घनश्याम तिवारी पर एक आक्षेप उसके मौका भी लगता है, लेकिन इन सब चीजों को मिलाते हुए अब वो बीजेपी में वापस शामिल हो रहे हैं। घनश्याम तिवारी के साथ जो कुछ चुनिंदा चेहरे बीजेपी से बाहर गए थे, जिनमें समंदर सिंह है और हवामहल विधानसभा क्षेत्र से आने वाले पार्षद हैं, वो वापस बीजेपी में आ गए हैं। ऐसे में घनश्याम तिवारी को भी लग रहा था कि उनकी कहीं जो वर्कफोर्स है कार्यकर्ताओं की वो कम हुई है, तो उन्होंने भी लगातार पार्टी के प्रति अपना रुझान दिखाया, पार्टी की नीति सिद्धांतों में आंख कर दिखाई, जो संघ के स्वयंसेवक हुआ करते थे। हालांकि मुझे ध्यान आता है जब उनसे इंटरव्यू किया गया था कांग्रेस में जाते समय, तो वो कह रहे थे कि अब वो कांग्रेस के स्वयंसेवक होंगे और बड़े कठोर मंत्री उन्होंने कहा था, लेकिन अब घनश्याम तिवारी वापस आ रहे हैं। आप देखिए कि इससे ये बात साबित हो जाती है कि पार्टी से बाहर किसी का अस्तित्व कितना माना जा सकता है। जाहिर है, ऐसी सूरत में जब भगवान बेनीवाल आंख दिखा रहे हैं बीजेपी को, उस समय घनश्याम तिवारी का बीजेपी में आना पार्टी के लिए एक सुखद संकेत हो सकता है। आपको ये भी ध्यान होगा कि तीसरे मोर्चे की कवायद हुई थी, घनश्याम तिवारी के मंच पर भगवान बेनीवाल आए थे जब घनश्याम तिवारी ने पार्टी का ऐलान किया था, तो ये तीसरे मोर्चे की कवायद को भी ठंडा करता हुआ ये घटनाक्रम दिख रहा है। बिल्कुल, और वही तीसरा मोर्चा जिसका जिक्र हनुमान बेनीवाल अब कर रहे हैं। शशि, बने रहिए, और भी चर्चा आपसे करेंगे कुछ अन्य खबर पर। तो भारतीय जनता पार्टी में नई कमेटियां बनेंगी और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसका ऐलान करेंगे। दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय पर